ఇప్పుడు తలసాని మంచోడో పిచ్చోడో ఎవరికి తెలియదు. తలసాని ఒకవేళ చెప్పేది ప్రతిపక్షాలను కేసీఆర్ చెప్పే ఆదేశాలను ఏదైనా మాట్లాడదలుచుకుంటే ఎక్కడైనా వచ్చి పబ్లిక్లోకి వచ్చి మాట్లాడమన్నారు. కాబట్టి ఇలాంటి అర్థం పర్థం లేని మాటల వల్ల కనీసం ఆ మంత్రి పదవి కన్నా గౌరవం ఉండే విధంగా మాట్లాడితే బాగుంటుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. బోలో. यहाँ पर केसीआर 100 बातें बोले इस 6 साल में. आपको मालूम है 12% मैं मुसलमान भाइयों को रिजर्वेशन के बारे में कहा, 4 महीने में हम 12% बनाते बोल के. जिस दिन कांग्रेस पार्टी रूलिंग में था तब आज़ाद साहब शब्बीर अली साहब मिलकर राज्य सरकार को और श्रीमती सोनिया गांधी को कन्विंस करके जो मुसलमान बच्चे कारखाने में मर जा रहे, लारी सिलेंडर पान डब्बे में ऑटो रिक्शा चला के जीना बहुत मुश्किल से जी रहे बोल के, वो बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर कामयाब बनाने के लिए 4% रिजर्वेशन दिए. उसके बाद केसीआर ऐलान किया टीआरएस सत्ता में आते 4 महीने में 12% बोल के. मैं आज पूछ रहा हूँ आपको, 6 साल हो गए, कहाँ गया 12%? इसका मतलब धोखेबाज बातें बोलने में केसीआर माहिर है, झूठे बातें बोलने में माहिर है. ये झूठे बातों में हमारे MIM क्यों उनके हिस्सेदार बन के आगे चल रहा है हमको तो समझ में नहीं आ रहा. केसीआर जो भी बोले, ये एक चीज़ नहीं शब्बीर साहब बोले ना कहीं पर भी रिजर्वायर बनाना है तो मैं कुर्सी डाल के यहाँ बैठ के ये बनाते बोल के, ऐसे बातें बहुत कुछ कहा. तो केसीआर को भरोसा करने वाले कोई भी नहीं है असद भाई के अलावा. पूरा हिंदुस्तान जानता है केसीआर कितना झूठ पे झूठ बोलने में कितना कामयाब है, उन्होंने सबको मालूम है. इसीलिए केसीआर जो भी बोल रहे हम तो यकीन नहीं कर रहे, एक चीज़. दूसरी चीज़, वो तोड़ना क्यों, वो कहाँ आपको तकलीफ दिए, मस्जिद या मंदिर? किसी को तकलीफ नहीं, आपको 25-30 एकड़ वहाँ जगह है. आपको अगर सेक्रेटेरिएट बनाना है, ये तोड़ना है, अगर नया बनाना है तो आपको बहुत कुछ जगह था. ये पब्लिक सेंटिमेंट को, पब्लिक को मेरा हुकूमत चलता बोल के दिखाने के लिए आज केसीआर होना बोल के जान पूछ कर फ्राइडे का दिन एक मस्जिद को तोड़ दिए. जिस दिन पूरे मुसलमान, कितना गरीब भी हो कितना अमीर भी हो, 5 मरतबा जिस दिन नमाज के लिए जाते हैं उस दिन जुम्मे के दिन मस्जिद को तोड़ डाले. और हिंदुओं को भी ये जो बोनाल हुए, ये असल यहाँ पर हैदराबाद में होता है बोनाल फेस्टिवल, आज अभी शुरू हुआ, आज वो मंदिर को भी नलपोचम्मा मंदिर को तोड़ दिए. इसका मतलब केसीआर ये दिखाना चाह रहा है कि मेरा हुकूमत चलता, मेरा मनमानी से तेलंगाना को मैं चलाता हूँ, कौन पूछने वाला है, कौन आगे आने वाला है बोल के केसीआर एक को फ़कर से ऐसे कामा कर रहे. तो उसको BJP और MIM राइट लेफ्ट बन के उनको साथ दे रहे. तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी आज आवाज़ उठाए या मुसलमानों के तरफ से और हिंदुओं के तरफ से, अगर सचमुच अगर तोड़ के नया बनाने का कोई सेंटिमेंट नहीं है, खाली स्ट्रक्चर वैल्यू रहा तो क्यों राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के नाम पर लाखों के जाना खाली है? आप लोग सालों से लड़वा रहे किस लिए? सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देने के बाद भी हमारे असद भाई ने ये कहा कि हम नहीं मान रहे सुप्रीम कोर्ट को. सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देने के बाद भी आप ये ऐलान किया हम जजमेंट को नहीं मान रहे, फिर यहाँ पर केसीआर एक बयान दे दिए तो मान ले रहे क्या? मतलब आप क्या लेना देना है अंदरूनी में केसीआर साहब का और असद साहब का? ये हिंदू मुसलमानों का मामला केसीआर असद साहब का नहीं है, ये इन लोगों का सेंटिमेंट पैसे से है, हमारा सेंटिमेंट हमारा बिलीफ में है. तो लोग सब कुछ उनको उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे, इसीलिए हम लोग आगे एक कदम आगे आए. क्योंकि जिस दिन मस्जिद बनाए तब शब्बीर अली साहब मंत्री थे, कांग्रेस पार्टी हुकूमत में थे, तब हम बनाए सो मस्जिद को केसीआर तोड़े, निजाम सरकार बनाए सो मंदिर को, आज इन लोग दोनों मिलके तोड़ रहे. इसीलिए चीफ सेक्रेटरी DGP KCR को, उनको जिसने जिसने मदद वो कर रहा है उन लोगों को चरलापल्ली जेल को भिजाना है.
అంటే నేను అనేది ఏంటంటే ఉద్యోగ సంఘాల నాయకులను ఉద్యోగస్తులకు నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, ఎడంకలు చెప్పుతో కొట్టండి ఇళ్ళను. ఎవడు వాడు మన నమ్మకాలకు వాడు యజమానా? ఉద్యోగ సంఘాల నాయకుడు కేసీఆర్ ఇసిరేసే ఎంగిల్ మెతుకులకు బిస్కెట్లకు కక్కుర్తి పడి కేసీఆర్ ఏం చెప్తే అది చెప్తే అది మొత్తం మతం అన్ని మతాలు వాళ్ళను అనుకరించాలనా? నేను ఉద్యోగస్తులకు ముఖ్యంగా సెక్రటరీ సచివాలయ ఉద్యోగస్తులకు నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, మీ సంఘాల నాయకులు ఎవరైతే కేసీఆర్ కూలగొట్టిన గుడిని మజీదును సమర్థిస్తున్నారో ఎడమకాలు చెప్పుతో కొట్టండి, పట్టుకొని నడు రోడ్డు మీద నిలబెట్టి. అప్పుడు కానీ బుద్ధి జ్ఞానం రాదు మీ ఉద్యోగ సంఘాల నాయకులకు. ఎవడు వాడు మన విశ్వాసాలకు వాడు యజమానా? నరేంద్ర రావు యజమానా హిందూ మతానికి, లేకపోతే ముస్లిం మతానికి వాడు ఎవడో ఇంకెవడో స్టేట్మెంట్ ఇచ్చిన వాడు యజమానా? ఎవడు వీళ్ళు? అవును, అందుకే చెప్తున్నా ఉద్యోగస్తులకు నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, మీరు వెళ్ళి మీ సంఘాల నాయకులను వంగబెట్టి అదే సచివాలయం ముందల గుడి ముందల మజీద్ ముందల ఎడంకాలు చెప్పుతో కొడితే కానీ వీళ్ళకి సిగ్గు రాదని చెప్పి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. ధన్యవాదాలు.